हेलो स्टूडेंट्स दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन अ स्क्रीन क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ठीक है ये प्लेन मिरर रखा हुआ है ठीक पी इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट एट अ हाइट एच अबव द मिरर ये आपको पी दिख रहा है डायग्राम में हाइट एच अबव द मिरर पे एन ऑब्जर्वर ओ वर्टिकली अबव पी ये ओ है व्हिच इज प्रेजेंट वर्टिकली अबव पी आउटसाइड द लिक्विड पी एंड इट्स इमेज इन द मिरर पी को देखता है और उसकी इमेज को देखता है क्या रहता है अपेरेंट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू विल भी मतलब जो ऑब्जेक्ट पी है और जो उसकी इमेज बनेगी मिरर में उन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है ठीक है अब जो आपकी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी इस साइड बनेगी तो दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है अच्छा यहाँ पर सबसे देखो एक कन्फ्यूजिंग चीज़ दे दिया है अगर मैं मिरर की बात करूं चाहे वो प्लेन हो चाहे वो कर्व मिरर हो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता आर पार थोड़ी हो रही है बेंडिंग थोड़ी होगी वो तो टकरा के सेम मीडियम में आती है ना तो ध्यान रखना कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे सर वो रिफ्रैक्शन है डेंसर मीडियम और एर मीडियम में तो लेकिन उसमें आर पार होती है ना बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है मिरर में क्या होता है वो तो सामने बन जाती है है ना तो मिरर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड ही नहीं करता तो मिरर तो अपने हिसाब से वैसे ही इमेज फॉर्म करेगा अच्छा दिक्कत कहाँ पे आएगी मैं जो जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर से, से देख रहा है यहाँ से देख रहा है हाँ उसको यहाँ पे पानी मिल रहा है अब पानी की डेप्थ नहीं दी है सपोज मैं ये मान लेता हूँ कि इस पानी की जो डेप्थ है वो डी है डी इज डेप्थ ऑफ द वाटर जहाँ तक पानी भरा हुआ है तो अब क्योंकि मैं एक सर्टन मतलब मैं वाटर के थ्रू देख रहा हूँ और वाटर में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आएगा रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ ठीक तो पहले मैं ये मान लेता हूँ कि सपोज uh, कि जो पी की इमेज है ठीक पी की इमेज है वो कहाँ बनेगी वो एच डिस्टेंस नीचे बनती है बिलो द मिरर ठीक फिर मैंने ये मान लिया क्योंकि भाई सिंपल सी बात है प्लेनिर में क्या होता है जितना डिस्टेंस मिरर से रहता है ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस मतलब कहने का यहां पे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ ये. ये. यहाँ पे इसकी इमेज मिलेगी पी डैश पे और ये भी डिस्टेंस कितना रहेगा एच रहेगा द ऑब्जेक्ट द इमेज इज फॉर्मड एज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट बट दिक्कत क्या होगी दिक्कत मेरे देखने में होगी भी मैं वाटर के थ्रू देख रहा हूँ ठीक बस मेरे को ये ध्यान देना तो अब आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ ठीक है पहले मैं जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपेरेंट डेप्थ निकालता हूं तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसकी जो अपेरेंट डेप्थ है पी की इसको मैं मान लेता हूं एक्स वन ठीक अपेरेंट डेप्थ ऑफ पी जो आपका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की अपेरेंट डेप्थ को मैंने मान लिया एक्स वन और इमेज की अपेरेंट डेप्थ को मैं मान लूंगा एक्स टू आपको क्या निकालना है आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालना है अपेरेंट डेप्थ समझ रहे हो मतलब ये डिस्टेंस एक्स वन हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस एक्स टू हो गया तो मैं फिर डिस्टेंस निकालूंगा दोनों के बीच कैसे दोनों को माइनस कर दूंगा भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कर दूंगा डिस्टेंस आ जाएगा दोनों के बीच का पी डैश और पी के बीच का तो देखो पहले ऑब्जेक्ट के लिए अपेरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है रियल डेप्थ अब देखो इस लिक्विड की डेप्थ कितनी है डी ये हाइट पर कितना है एच तो इसकी रियल डेप्थ कितनी हो गई डी माइनस एच ये आपका आ गया एक्स वन आ गया ठीक अब बात करते हैं x2 की अब अपने को x2 निकालना है ठीक x2 कैसे निकालेंगे फिर से रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ अब रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी बेटा ये पूरा d हो गया और ये हाइट एच हो गई तो अब रियल डेप्थ हो जाएगी d प्लस एच अपॉन बी आपको क्या निकालना है आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालना है दोनों तो की आपको डेप्थ मिल गई ये पूरा इतना मिल गया और ये पूरा इतना मिल गया तो क्या फाइनल आंसर क्या आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू कितना है डी प्लस एच बाई म्यू माइनस एक्स वन कितना है डी माइनस एच अपॉन म्यू सॉल्व करो म्यू आपका एलसीएम आ गया डी प्लस एच माइनस डी माइनस माइनस प्लस डी और डी कैंसिल एच प्लस एच टू एच बाई म्यू आपका आंसर आ गया so i hope this question is clear to you thank you for watching bye bye keep loving keep supporting कहते सपना के सुख रखे थे ना बोलूं तेरी कसमों को